देखिए, जातीय समीकरण नहीं ये किया गया है, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को कायम नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा जीत किया है अपर कास्ट के लोग, जीत किया है 50% बीजेपी में, तो लगभग 50% जीत किया है अपर कास्ट के लोग, और उनको एक भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। कम जीतने वाले अनुभवहीन आदमी को डिप्टी सीएम महामंत्री या मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, दागी लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। आप बहुत सारे लोगों को इलेक्शन कमीशन में जो भरे हैं, आप देख लीजिए उसको कि कौन कौन लोग दागी लोग हैं, कौन कौन पर क्रिमिनल केसेस और चार्जशीटेड लोग हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। और कहीं किसी जिले से तीन तीन मंत्री बनाया गया, कहीं कमिश्नरी से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया, पूरा साउथ बिहार को इग्नोर किया गया है। और नीतीश मिश्रा जैसे पढ़े लिखे आदमी जो जगन्नाथ मिश्रा जी के सुपुत्र हैं, जो मिथिला में प्रभाव रखने वाले ललित बाबू के भतीजे हैं, जो जिनका मिथिला में प्रभाव है, जो पढ़े लिखे ये आदमी, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। और नौसिखिए लोगों को मंत्री बनाया गया है, अनुभवहीन लोगों को, कि मंत्रिमंडल का कोई लगता ही नहीं है कि बीजेपी का कोई मंत्रिमंडल में श्रेय है, कोई छाप है।